2024 का साल लगते ही एक के बाद एक पार्टियां और नेता अपने आप को मजबूत करने में लगे हुए हैं। जहां एक तरफ बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता लगातार कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी कहां पीछे रहने वाली है। जहां एक तरफ देश के अंदर कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, वहीं फरीदाबाद के एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने कार्यकर्ता मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे कांग्रेस के पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल का एनआईटी विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने फूलमालाओं से स्वागत किया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए करण सिंह दलाल ने बताया कि भाजपा की सरकार से लोग परेशान हो गए हैं। भाजपा के मंत्री और सांसद डीलर बनाकर फरीदाबाद में प्लाट काट रहे हैं और उनके साथ कुछ कांग्रेस के नेता भी मिले हुए हैं। अब जनता ने ऐसे लोगों को पहचाना शुरू कर दिया है। दलाल ने कहा कि आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में हरियाणा की जनता बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेगी और प्रदेश में कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। तमाम बीजेपी के जो भी सांसद मंत्री हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, वो लोगों की लड़ाई ना लड़ करके केवल और केवल नाजायज प्लॉटिंग करने का काम कर रहे हैं, गोरख धंधे चला रहे हैं, बिजली चोरी करवाते हैं, नाजायज बसों को चलाने का काम करते हैं। जो आज लोगों का दम घुट रहा है, ये नाजायज कारखाने चला करके रिश्वत लेकर के इस इलाके को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, तो चाहे वो बीजेपी वाले लोग हैं या वो हमारी पार्टी के लोग हैं, हम किसी को नहीं बख्शेंगे। हमारे लिए लोगों के जो हित हैं वो सर्वोपरि है। आप लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए अपनी पार्टी के नेताओं पर भी जो है वो निशाना साधा है कि कांग्रेस के कुछ लोग भी ऐसे हैं बीजेपी से? हाँ, जो ये बड़े बड़े कारखानों को खरीद करके और उसमें कुछ हमारे भी कांग्रेस के लोगों को शामिल कर लिया जाता है, तो हम उनके भी खिलाफ हैं, क्योंकि हमारे लिए लोगों की जो जीवन है, जो बड़े बूढ़ों का दम घुट रहा है इस घुटन में, जो मरीजों की बदहाली हो रही है, तो हमारे लिए उनका जीवन बचाना जरूरी है, चाहे उसमें हमारे लोग हों या बाहर वाले लोग। कांग्रेस के कौन कौन लोग हैं? वो ज्यादा नहीं है कुछ, तो वो जब समय आएगा तो आपके सामने उनकी जो असलियत है वो आ जाएगी।